बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नाज़रीन, मैं हूं शबीर अहमद कादरी। सबसे पहले मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूं, मुझे सपोर्ट कर रहे हैं और मेरी हौसला अफजाई कर रहे हैं। यकीनन ये आपका मुझ पर आसान है। तो आज की वीडियो हम अपने कुछ दोस्तों की मैच पे उनके कहने पर बना रहे हैं। आज हम बात करेंगे कि मर्दाना कमज़ोरी क्यों होती है और इसका इलाज जो है वो कैसे करवाया जा सकता है, उसके लिए खुराक कौन सी चाहिए, कौन सी गज़ा इस्तेमाल करनी चाहिए और इसका इलाज कैसे है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी जो तलीम हासिल की है फाजिल तिब व जराहत, ठीक है, ये इस्लामाबाद से की है और गोल्ड मेडलिस्ट हैं, ठीक है। तो पंजाब हेल्थ केयर की तरफ से हमारा रजिस्टर शुदा अदारा है ये, ठीक है। जो मर्दाना कमज़ोरी के मतलब जो मसले मसाइल पैदा हो चुके हैं आज की ज़िंदगी में, ठीक है, तो इसके लिए हम कुछ इसकी जो वजूहात हैं वो बताएंगे आपको। क्योंकि जो लोग बचपन की गलत कारियों के नतायज के मुताबिक, ठीक है, शायद वो मसजन ही करते हैं या ज़कावत हिस्सा है उनको या जड़ियान है या अहतलाम है, वो अपनी मर्ज़ का वक्त पे इलाज नहीं कर ज़कावत हिस्स जड़ियान अहतलाम, ठीक है, जो गलत सोसाइटी में लोग डल जाते हैं, ठीक है, या गलत माशरे में कोई वीडियो वगैरह या इस तरह की जो हमारे माशरे में चीज़ें चाह रही हैं उसकी वजूहात पे इंसान का हाफ़ा और दिमागी तौर पे कमज़ोरी और जो अंदरूनी हिस्से में सिमंस की कमज़ोरी या जो भी मसले मसाइल हैं ये इनकी वजह से पैदा होते हैं। आप हमें ये बताएं कि इस बीमारी को किस तरह रोका जा सकता है। इस बीमारी को ख़त्म करने के लिए जो इसका इलाज है, कुछ जड़ी बूटियाँ होती हैं जो खालस नबातात, ठीक है, उनसे बनती हैं, ठीक है। जो जड़ी बूटियाँ हैं उसमें साल पंजा को इंडियन मूसली, सफ़ेद मूसली, ठीक है, ज़ाफ़रान, इस तरह की चीज़ें होती हैं, अंबर वगैरह, कस्तूरी वगैरह, इनके कुछ नुस्खे जात होते हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं, जो मर्ज़ के लिए ख़त्म करते हैं, जो मर्ज़ को ख़त्म करते हैं, इंसान ठीक हो जाता है। जिन नौजवानों ने अभी तक शादी नहीं की और उनको पता है कि हम ये गलत कार्यां हमने की हैं, हम कमज़ोर हैं, तो उनका आप कैसे इलाज करते हैं? जो ये बीमारियों का इलाज है हम देसी तरीक़ाकार से करते हैं, जड़ी बूटियों से करते हैं। तो जो भी हजरात इस मर्ज़ में मुब्तला हैं वो हमारे पास आएँ, उनका इलाज तसल्ली बख्श होगा और गारंटी से होगा और ज़िम्मेदारी से होगा। इंसान जो माँ के पेट से नामर्द ना पैदा हुआ हो, ठीक है, गलत कारियाँ उसने 30 साल या 40 साल में भी की हैं, वो अपने आप को बिल्कुल ख़त्म महसूस करता है, वो हमारे पास आएँ, हम ज़िम्मेदारी से और गारंटी से इसका इलाज करेंगे और भी कुछ हफ्तों के अंदर। तो मेरी वीडियो में हकीम साहब का नंबर चल रहा है, अगर किसी ने मशवरा करना हो या अपना इलाज करवाना हो तो हकीम साहब से राबता कर सकते हैं। तो हकीम साहब हमें ये बताएं कि ये हमने बहुत सारे जो है ऐड देखे हैं जिसमें वो कहते हैं कि चार शादियां कर लो, पांच कर लो, दो कर लो, क्या ऐसी कोई दवाई है कि अगर कोई किसी नौजवान को आप खिलाएं तो वो जितनी मर्ज़ी शादियां कर ले? जी इसी तरह है कि जो पुराने ज़माने में लोग होते थे ना, उन्हें एक हकीम लाजम अपने साथ दो हकीम रखे होते थे। मुगलिया दौर ख़ानदान जो होते थे, जो शाही ख़ानदान थे, उन्होंने पाँच पाँच छः छः शादियाँ की होती थी, वो खालस चीज़ों से इलाज करवाते थे, जड़ी बूटियों से इलाज करवाते थे। तो अब भी जड़ी बूटियाँ बोलती हैं अगर कोई बुलाने वाला हो और अखरोजात करने वाला हो तभी चीज़ मुमकिन हो सकती है। हम यही कहना चाहते हैं कि वो गलत कारियों से इज्तनाब करें और अपनी ज़ाती जो ज़िंदगी है उसके मुताबिक ये सोचें, क्योंकि आज आपकी जो ज़िंदगी है कल आपके लिए वो सरमाया है आपका, ठीक है। तो इसके लिए आपको ये करना चाहिए कोई अच्छा तबीब, ठीक है, उससे अपना मशवरा करें और अपना इलाज करवाएँ। हमें यह बताएं कि इसके आने वाली ज़िंदगी में कौन से साइड इफ़ेक्ट हैं? बुराई में मुबतला थे, ये गलत कारियां करते रहे, कमज़ोरी होगी, बीमारी में मुबतला हो गए, उसमें यही असरात मरतब होते हैं कि जो कमज़ोरी की वजह से जो मर्ज़ लाहक होती है, ठीक है, वो सूरत अंजाल जिसे बोला जाता है, टाइमिंग में मसला, और जो सीमेंस प्रॉब्लम होती है, औलाद जरासी में मसला, ये मसले मसाइल दरपेश होते हैं। ठीक हो गया। तो अगर कोई मर्द कमज़ोर हो, उसको उसमें कमज़ोरी हो, उसकी वजह से एक तो औलाद नहीं होती, ऐसा भी होता है कुछ?
जी इसी तरह है, अगर मर्द कमज़ोर हो ठीक है, उसकी औरत को भी मसले कई पैदा हो जाते हैं, उसकी वजह से औरत भी बीमार हो जाती है, औरत बीमार हो जाती है, वो लकोरिए की शिकायत हो जाती है, जिस तरह मर्द को अगर जरियान हो तो उसे कतरे आने शुरू हो जाते हैं, इसी तरह जो औरत होती है अगर उसको जो गर्मी की शिकायत हो जाए तो उसको लकोरिया बोलते हैं। सही है, मतलब अगर मर्द कमज़ोर हो, नौजवान कमज़ोर हो, तो दोनों में वो बीमारी जो है मुंतकिल हो जाती है, जिसकी वजह से औलाद का ना होना जो है ये मसले भी पैदा हो जाते हैं। तो आप हमें ये बताएं कि जो व्यूअर हमें देख रहे हैं उनके लिए आप कोई एडवाइस करें कि वो फौरी तौर पर इसका क्या हल करें, कहाँ से इलाज कराएं और क्या गज़ाएँ जो है वो इस्तेमाल करें और कहाँ से इसका इलाज जो है मुमकिन है। ये परहेज़ है इसका, जो गलत कारियों से इज्तनाब करें और ज़ाती जो चीज़ है वो इस्तेमाल करें, गज़ा इस्तेमाल करें, फल इस्तेमाल करें, इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करें जो आपके लिए ठीक है, गर्म चीज़ों से परहेज़ करें। जी व्यूअर्स, आज की वीडियो आपके लिए एक ख़ास जो है जो मर्ज़ है उस पर हमने बनाई है। मर्ज़ क्या थी कि जो मर्दाना कमज़ोरी है उसके बारे में हम एमए राणा साहब से हमने डिस्कस की, उन्होंने इस बीमारी की वजूहात बताई हैं, इसको रोकने के लिए आपको मशवरे दिए हैं और इसकी वजह से होने वाले जो ज़िंदगी पर असरात मरातब होते हैं वो भी आपको बताए हैं। तो हम नई वीडियो जो बनाएंगे उसमें हम बताएंगे कि इसकी अलामतें क्या हैं और इसका इलाज जो है कितनी देर में करवाना चाहिए, ताकि जो नौजवान है दोबारा अपने मतलब पूरी अपनी ताकत उसकी बहाल हो सके। बंदा नाचीज शबीर अहमद कादरी को दें इजाज़त, इंशाल्लाह हम ऐसी ही अच्छी मालूमाती वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। आपकी सपोर्ट का मैं बेहद मशकूर हूँ, आपकी मोहब्बतों को सलाम, पाकिस्तान जिंदाबाद।